हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पी एम आर स्मार्ट लर्निंग और आज हम देखने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू का टेस्ट नंबर टू तो चलिए स्टूडेंट्स बिना वक्ए के शुरू करते हैं तो ये है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू की टेस्ट नंबर टू तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेड ऑफ़ तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो आपका लिखना हो तो आप स्क्रीन निकाल सकते हैं दोस्तों मैं इधर थोड़ी देर रुक रहा हूँ देख लीजिए दोस्तों इसका आंसर आगे बढ़ते हैं अब अब है क्वेश्चन व्हाट इज़ से बायोजियो केमिकल साइकिल मतलब बायोजियो केमिकल साइकिल क्या होती है इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है होगा दोस्तों तो इसका आंसर मैं रीड कर रहा हूँ अ बायोजियो केमिकल साइकिल इज अ पैथवे इन विच द केमिकल सब्सटेंसेस एंड न्यूट्रिय लाइक कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम एंड वाटर मूव थ्रू द बायोटिक एंड अबायोटिक components ऑफ द अर्थ इन अ साइकिल इट टेल्स अस अबाउट द बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स तो आपको लिखना हो दोस्तों तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन है राइट को रिलेशन तो यहाँ पे हमें दिया गया है प्रोड्यूसर ऑटोड्रॉप्स और हमें बताना है प्रेडिटर्स का प्रेडिटर्स का आंसर हमें यहाँ पे बताना है तो इसका आंसर है हेटेरोड्रॉप। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर एंड वॉट काइंड ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस इन द प्लांट तो यहाँ पे हमें एक प्लांट की पिक्चर दी गई है तो हमें इसका नेम और इसमें कौन सी मूवमेंट होती है उसका नाम वो मूवमेंट का नाम हमें यहाँ पे लिखना है तो इसका आंसर ये रहेगा द नेम ऑफ द प्लांट शोन इन पिक्चर इज टच मी नॉट मीमोसा ग्रोथ इरेगुलर मोमेंट टेक्स प्लेस इन दिस प्लांट तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक द और टर्म आउट तो इसका आंसर है पैन तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द डायग्राम ऑफ द टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स गिवन बिलो तो इसके आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स तो चलिए अग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर मैंने ये कार्बन साइकिल का आंसर नहीं दिया क्योंकि ऊपर एनी फाइव लिखा था तो आगे का हम देखते है। आगे राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी फाइव फर्स्ट डिफरेंटिट बिटवीन गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंटरी साइकिल तो इसका आंसर ये है आपको पहले गैसियस साइकिल का कॉलम रीड करके बताता हूँ एन एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट्स मटेरियल इज फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। सेकेंड इंक्लूड्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एक्सेट्रा स्टूडेंट्स अब मैं आपको सेडिमेंटरी साइकिल का कॉलम रीड करके बताता हूँ एन एक्यूमलेशन ऑफ द मेन अबायोटिक न्यूट्रियट्स मटेरियल इज फाउंड इन सॉइल सेडिमेंट एंड सेडिमेंटरी रॉक्स एक्सेट्रा ऑफ द अर्थ इंक्लूड सॉइल कंपोनेंट लाइक आयरन कैल्शियम फॉस्फोरस एक्सेट्रा तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं आगे का क्वेश्चन है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट तो फर्स्ट का आंसर है करेक्ट और सेकंड है इनकरेक्ट तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है लुक एट द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द गिवन डायग्राम तो इसका आंसर है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और सेकेंड है बी वेयर इज द स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड इसका आंसर है इट इज लोकेटेड एट द वर्टेब्रल कॉलम नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो और इसमें दो कॉलम से लेफ्ट साइड में ग्लैंड और राइट साइड में है हॉर्मोन्स तो फर्स्ट का आंसर है पैराथार्मोन और सेकेंड के दो आंसर है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द साइंटिफिक रीजन एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम इज वन वे तो इसका आंसर यह है मैं आपको रीड करके बताता हूं द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इको सिस्टम ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इको सिस्टम स्टोर सम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड बिफोर रीचिंग द डीकम्पोजर This energy is passed on from one trophic level to the next. Decomposer dissipates some amount of energy in the form of heat. However, no part of the energy ever returns to the sun. Hence, energy flow through an ecosystem is one way. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Write examples of two reflex action you have experienced. तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं एक बार रेड करके बता देता हूँ इसका आंसर है when वी टच टू द फ्लेम ऑफ अ कैंडल वी टेक आवर हैंड बैक क्विकली ये फर्स्ट एग्जाम्पल है और सेकेंड एग्जाम्पल है वी सडनली टेक आवर हैंड और लेग बैक वेन इट गेट्स प्रिक बाय एनी पिन तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है इन द ब्लैंक्स इन द फिगर गिवन बिलो तो यहाँ पे ऐसी फिगर हमें दी गई है तो इसमें राइट right साइड में आपको दो बॉक्सेस दिख रहे होंगे जो कि ब्लैंक है इसके आंसर्स ये है फर्स्ट बॉक्स में आएगा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल और जो सबसे नीचे का बॉक्स है वहाँ पर आएगा प्रोड्यूसर्स तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी ये टेस्ट ख़त्म होती है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा